सीमा जी, आपके पति कह रहे हैं, गुलाम हैदर कह रहे हैं कि आपने डिवोर्स नहीं लिया है, तलाक नहीं लिया है, और उससे पहले आपने आप दाखिल हो गई भारत में और आपने इस तरह से ये बात सामने आई है, तो आपने तलाक नहीं लिया है ये कह रहे हैं वो। जी सर, इनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर मुझे। इन्होंने मुझे एक बार नहीं, तीन बार तलाक दी थी। जब मैं इनसे ये पूछें, जब हमारी शादी हुई थी कुछ समय बाद, इन्होंने मुझे एक बार तलाक दी, तब मेरे पापा ने इनके साथ मजबूरन मुझे रखा, कैसे तलाक नहीं होती, पर दी थी, मैं पापा के आगे मजबूर थी। उसके बाद इन्होंने मुझे कई बार मारा है। इनसे पूछें क्या इन्होंने मुझे बहुत बार कई बार नहीं मारा अपनी माँ के कहने से, क्या इनके पहले दो बच्चे नहीं हैं, क्या इनके जो पापा हैं उनके सगे पापा नहीं हैं, और क्या उनके जो सगे पापा नहीं हैं, क्या इनकी बेटी को बेचा नहीं है 2.5 लाख में, ये बात। इसके बाद जब ये दावा कर रहे हैं इनके पापा, क्या कभी जिंदगी में इनके पापा ने मुझे फोन करी कि हमारी कभी बात हुई, कभी भी नहीं हुई, जो इनके पापा हैं। और रही बात हैदर की, तो ये मेरे पति नहीं है, इन्होंने खुद किया। क्या क्या आप कह रही हैं, एक बार दोहराइए। इनके पालन की इनमें ये रवाज है, जो हैदर के पापा हैं उनका रवाज है कि बेटी जितनी छोटी हो बड़ी हो कोई पैसा देकर उनको देते हैं, रिश्ता कर देते हैं, मतलब शादी करवा रहे हैं, इनका सिस्टम है। इसी कारण इनके पापा मेरे घर नहीं आते थे, क्योंकि मेरी बेटियां थी और मुझे डर था कि कल ये मेरी बेटियां बेच देंगे। गुलाम हैदर साहब, ये बहुत बड़ा एलिगेशन आपके ऊपर है। गुलाम हैदर साहब, सीमा यहाँ हिंदुस्तान में बैठकर ये कह रही हैं कि उनके बच्चों को आपकी फैमिली में बेचा जा सकता था, किसी दूसरे के सुपुर्द किया जा सकता था, कुछ पैसों के खातिर। क्या ये बात सही है? पहले सवाल सुना कीजिए, उसके बाद जवाब दिया कीजिए। गुलाम साहब, मेरे बच्चे नहीं है। नहीं सर, सर सीमा के बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं है, मेरा पिक्चर नहीं है, मेरी औलाद नहीं है। जैसे सीमा बोलेगा, सीमा की बात चलेगा सर। नहीं नहीं, हम आपकी बात भी सुन रहे हैं, हम आपकी बात भी सुन रहे हैं, इसीलिए उनका अच्छा भला मैं नहीं चाहता। हाँ जी सर, मैं उनका अच्छा भला नहीं जान सकता हूँ। मैं उनको नहीं पढ़ा रहा था, स्कूल के खर्चा कौन दे रहा था, मेरे रास्ते में था, कॉन्टेक्ट में था। अचानक मुझे भारत मीडिया की तुरु पता चला कि ये भारत चला गया, ये झूठ पे झूठ बता रही, क्यों बोला जा रहा है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि भले इसको जेल में रखा जाए, कहीं भी रखा जाए, मैं बच्चों को ये नामहरम के साथ है अभी मैं, वरना इंसान है, झगड़े भी होते हैं, तलाक भी होते हैं, मैं कह देता कि मेरे से तलाक हुई, तलाक हुआ ही नहीं तो मैं कैसे मानू सर। नहीं गुलाम हैदर साहब, आप तो ये तो मानेंगे ना कि किसी भी, गुलाम हैदर साहब आप ये तो मानेंगे कि किसी भी शादी को बरकरार रहने के लिए पति पत्नी के बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच रिश्ते बेहतर होना जरूरी है। सीमा ये कह रही है कि आप उनके साथ आप पिटाई करते थे, उनकी रिश्ते अच्छे नहीं थे, आप दोनों के रिश्तों में तल्खियां थी, इसलिए 2021 में ही उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि वो सचिन के साथ जाएंगे। नहीं सर, नहीं नहीं, ये गलत कह रहे हैं, ये बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। इनसे पूछे, इनसे पूछे, और जहाँ मैं रहती थी उन्हीं से पूछा जाए। अगर वो एक मिनट, सीमा एक मिनट, वो अपनी बात कर ले, फिर आप कीजिए। 3 लाख रुपया अभी ढाई महीना पहले 3 लाख रुपया किसने भेजा, मेरे घर भेज के मेरा पैसा लेके ये चला गया, बोलता है मेरे संपत्ति में नहीं था, मेरे बाप में नहीं था, 3 लाख रुपया गुलाम हैदर जी, आप इस वक्त सऊदी अरब में।